तो आज हमारे साथ हैं साधिका जी जिनसे हम बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं गुफ्तु करने वाले हैं तो ये स्टार दो घंटे लेट आया ये स्टार चार घंटे लेट आया करते हैं तो मैं किसी के बाप की भी नहीं सुनता <laughs> कुछ लड़कों को इतना डर लगता है पर लड़के क्यों

Hi guys, I'm Sadhika Sehgil. You're watching me on Men's XP at Men's Locker Room. And today we have with us a guy who is famous for his roles on TV and on OTT shows, Nandish Singh Sandhu. Thank Hello. you, Sadhika. How are you today? Very good. You're looking gorgeous oh, and I like the so fact much. that we are twinning. Oh yes, Green. we're colour coordinated. Yeah. I think it speaks to our taste. I think we you need a little bit of blue. I'll give you this blue, okay? Then oh. it's going to be perfect. Thank you so much. <laughs> I think this podcast has started on a very good note. Yes. ओके okay. पहली चीज तो मेरे को ये जानना है कि फॉर समबडी लाइक मी ठीक है वी हैव ग्रोन अप वाचिंग टेलीविजन और उस पर जो टीवी शोज आ रहे होते हैं इनफैक्ट इवन विद आवर पेरेंट्स जब हम वॉच करते थे ये चीज हमेशा ना एक दिमाग में होती थी कि यार ये ये होता कैसे है हाउ डिड यू स्टंबल इनटू दिस इंडस्ट्री पहले तो मुझे ये बताओ हमेशा ये क्यों होता है कि जब हम टीवी शोज देखते थे अपने पेरेंट्स के साथ यू <laughs> नो you know,

So I found out how modeling is done, or how you know. It's a well-paid job, yeah. and you don't have to uh, slog like for hours and hours. You what? need to look good, and that hmm. that kind of. मॉडलिंग वगैरह शुरू की एंड देन आई यूज टू सी एवरीबडी गोइंग फॉर ऑडिशंस के ऑडिशंस के लिए लाइन लगी हुई है जैसे अभी हम इंटरव्यू से पहले बात बात भी कर रहे थे दैट ऑडिशन् के लिए इतने लोग जाते हैं एंड आई सेड ओकेजन फ्रेंड्स and i started going for auditions hmm. and i was pathetic at it. <laughs> pathetic is the word <laughs> <laughs> no i'm being honest मैं बहुत ही बुरा था यार शुरू में मतलब आप कितने यंग थे उस टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया i i was in my early 20s okay and uh, you know uh, formal training थी नहीं कुछ एक्टिंग में and uh, uh, when i went to do auditions hmm. i actually realized that what is the kind of hard work that goes behind it you know we see everything on the screen haan, it's haan. so so nice so i thought that is the world because i had no exposure i'd come from rajasthan hmm. i did my graduation and i didn't have any exposure to this world of cinema hmm. so uh, when i saw that you have to go and stand in lines hmm. and give auditions and it's uh, you know you have to wait फॉर योर टर्न टू कम कभी कभी होता है कि वो वेट करते रहो दो तीन घंटे और डोर से फिर बोल देते हैं कि सर आप फिट नहीं होते वापस जाइए सो ऑल दो थिंग्स एंड आई देन आई स्टार्ट विथ वन एपिसोड एक शो दस अट यूज़ टू कम ओनली एवरी एपिसोड द स्टोरी इज टू कीप चिंग आई स्टार्टड विद दैट एंड इवेंचुअली देन केप्ट ऑडिशनिंग मीटिंग पीपल एंड देन सीरियल्सिंग एंड उतरन

Uh, because of my career that a relationship suffers, it's never been like mm -hmm. that. And I'm extremely close to my family. Mm. My brother, my younger brother, mm. uh, you know, his wife, his mm. uh, daughter, and then my mom, dad, mm. my boo, I'm extremely close to mm. all of them. We're a very close knitted family. Oh.

सनी डेओल बॉबी डेल एंड हिज एंटायर फैमिली धर्मिंदर जी के पोते पोतियाँ यू नो एवरीबडी, इट्स सच क्लोजनेट फैमिली सो इट्स इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग एंड आई डोंट थिंक के सक्सेस से फर्क पड़ता है और मेरी एक और चीज़ आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इन दिस और अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ आप सक्सेसफुल होना चाहते हो हाँ बिल्कुल आपको ये लगता है कि सक्सेसफुल होने के बाद

यू you नो know, आपके पास पैसा आएगा तो आप करप्ट हो जाओगे आप करप्ट बनना नहीं चाहते तो आपके पास पैसा कैसे आएगा देन योर थॉट प्रोसेस हैज टू चेंज एंड इट हैज बी पैसे से करप्शन नहीं होता है इट्स अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक थिंग सो यू हैव टू बिलीव इन

रिलेशनशिप्स पे आते हैं सो लॉट ऑफ यंग पीपल वॉच वॉचमैन एक्सपी ठीक है और यंग लड़कों की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम या फिर सबसे बड़ी स्ट्रगल एक्चुअली पता है करियर से भी ऊपर होती है लव लाइफ बहुत सारे लड़कों बहुत सारे लड़के स्ट्रगल करते हैं अप्रोच करने में लड़कियों को बहुत सारे लड़के स्ट्रगल करते हैं मेनटेन करने में एक रिलेशनशिप को बहुत सारे लड़के स्ट्रगल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स उसमें अगर आपको इफ यू हैड टू गिव वन पीस ऑफ एडवाइस टू द यंग बॉयज एंड यंग मैन आउट देयर वॉट वुड इट बी सिर्फ लड़कों को सिर्फ लड़कों को यार मैं पहली बात तो है ना मैं एडवाइस देता नहीं हूँ okay. मैं कभी भी आई आई डोंट बिलीव इन गिविंग एडवाइस बिकॉज मैं किसी की सुनता नहीं हूँ hmm. मैं अपनी मर्जी से जो करना है करता हूँ यू नो शुद्ध हिंदी में hmm. बोलूँ तो मैं किसी के बाप की भी नहीं सुनता हूँ <laughs> तो तो मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है मैं अपने मन की करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई भी जो भी है वो अपने मन की करे आप एडवाइस मत दो आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करो सो आई आई बिलीव कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ बट हुईस टू एनी बडी एवरीबडीजर ओन लाइफ एंड एवरीबडी हैजर ओन सर्कमस्टेंसेज इन लाइफ सो एडवाइस आई डोंट थिंक आई बी एबल टू गिव बट इट्सियंस आई वुक योर टाइम वे दी प्रोजेन कॉन्स अंडरस्टैंड वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ अंडरस्टैंड योर गोल्स एंड देन वर्क बैकवर्ड्स दैट्स वॉट आई हैव स्टार्टड डूइंग नाउ अर्लियर आई थिंक मेरे को भी इतनी अकल नहीं थी मेरा दिमाग इतना नहीं चलता था बिकॉज यू नो वेन यूर इन योर ट्वेंटीज़ य लाइक यू मैं हारेक्ट समझ में भी नहीं आएगा किसी को नहीं आता है लेकिन बोलने में क्या जाता है आई ऑनेस्टली फील के जस्ट वे दी प्रोज एंड कॉन्स अपना गोल सेट कर लो एंड वर्क बैकवर्ड वो बैकवर्ड जर्नी में अगर आपका वो लव लाइफ या आपका रिलेशनशिप या आपका अट्रैक्शन या आपका फ्लिंग व्हाटएवर अगर वो आपके गोल में गोल के रास्ते में फिट हो रहा है तो ठीक है नहीं हो रहा है तो देन गिव इट अ थॉट बट पता है बहुत सारे लोगों को ना डर लगता है बहुत सारी चीजें करने में जैसे बहुत सारे लोगों को कुछ लोगों को होता है फियर ऑफ रिजेक्शन कुछ लोगों को होता है फियर ऑफ फेलियर

ठीक अच्छा, है उन लोगों को इस चीज की शायद इनसिक्योरिटी होती है कि मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर दूंगी और वो शायद कम इन्वेस्ट करेगा और लड़कियों को डर लगता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डर लगता है बताओ तो थोड़ा समझे तो सही <laughs> यार लड़कियों को एक्चुअली पता है इतना ज्यादा डर नहीं लगता उनको बस देखना होता है कि हाँ ये लड़का सही है या नहीं है दिल तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा और उनको ना ऑनेस्टी वाली चीज से बहुत डर लगता है लड़कियों को हमेशा बैक ऑफ दी हेड में लग रहा होता है कि अभी एक शू ड्रॉप होगा वो होता है ना कि ये सही जा रहा है बट ये सही कैसे जा रहा है कुछ ना कुछ तो अभी गलत होगा तो वो चीज रहती है उनके दिमाग में एंड आई थिंक अच्छा वो <laughs> बन चुका है uh, क्या कहते हैं उस चीज को डिफेंस uh, बन चुका है कि अपने मैके प्रोटेक्ट करने के चक्कर में लड़कियां इतनी ज्यादा कॉशियस हो जाती है कि वो हर बार ढूंढती रहती है कि नहीं यार ये इतना सही चल रहा है सही चल नहीं सकता कुछ ना कुछ पे गड़बड़ हाँ और फिर हम ही गलतियां क्रिएट कर लेते हैं तो हाँ तो बड़ी ये तो सही है मतलब ये सही चल कैसे रहा है <laughs> मतलब ये मैंने अभी अभी आई थिंक दो दिन पहले दो तीन दिन पहले किसी से मेरी बात हो रही थी मैं उनको मतलब आई मीन इट दिस वे दिस ये मेरा ये पर्सपेक्टिव नहीं था okay. जो आपने बोला बट yeah. कुछ ऐसे बात हो रही थी कि वॉट कीप्स यू मोटिवेटेड तो मैंने उनको बोला कि इट्स दी एक्साइटमेंट एवरी डे एंड इफ आई डोंट फील एक्साइटेड एवरी दैट इज दैट मीन्स के कुछ गड़बड़ है दैट मीन्स yeah. अगर मैं अपनी कम्फर्ट जोन में हूँ और सब कुछ अगर और मैंने यही वर्ड्स <laughs> बोले थे कि अगर सब कुछ सही चल रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है सो देन यू नीड टू यू नीड टू थिंक दैट आई यू टू कंफर्टेबल इन व्हाट इज हैपनिंग और आई यू टू कंफर्टेबल विद योर स्पेस एंड दैट यू नॉट ग्रोइंग एज अ पर्सनालिटी बट व्हाट यू आर सेइंग इज स्लाइटली डिफरेंट कि वो रिलेशन वो कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट कि वो लड़कों को लेके ऐसे ha. सोचती हैं बट दैट्स इंटरेस्टिंग दैट्स आई हैव नेवर थॉट ऑफ दिस दैट्स इंटरेस्टिंग वे ऑफ थिंकिंग कि मतलब ये <laughs> ये सही कैसे चल रहा है ये इतना, ये इतना इतना लाइन पे कैसे चल रहा है लड़का exactly. जो मैं चाहती हूँ वो कैसे हाँ. कर रहा है क्योंकि हमें तो मतलब भी इसका नहीं होता। इसका सार ये है हाँ. की बीच बीच में झटके देते रहना चाहिए नहीं आ, वो तो मिल ही जाते हैं ना। नहीं, नहीं। <laughs> वो हम मैनिफेस्ट कर लेती है लड़कियाँ <laughs>

कि यू you नो know, उसकी वजह से रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं हुँ. लड़कों का थॉट प्रोसेस ये होता है कि यार मैंने आगे चल के घर चलाना है शादी करूँगा हाँ, बच्चे होंगे हाँ. तो मुझे फैमिली को यू नो सपोर्ट करना है आई नीड टू बी दी प्रोवाइडर फॉर माई फैमिली तो आई थिंक ये चीज़ लड़कों को डराती है हुँ. वेर इज आई फील डरना नहीं चाहिए जस्ट डू वॉट यू वॉन्ट टू डू हमको डर डर में है ना वो मोमेंट्स ही हम लोग हाँ. भूल जाते हैं उन चीजों हाँ. उस मोमेंट को इंजॉय करना भूल हुँ. जाते हैं जैसे लड़कों के सामने जब लव का नाम लो ना तो और हो सकता है कि स्टीरियोटाइप भी है क्योंकि इतने टाइम से चला आ रहा है बट लड़कों के सामने प्यार का नाम या फिर कमिटेड रिलेशनशिप का नाम लेते ही उनके ऐसे रंग उड़ जाते हैं फॉर सम रीजन और लड़कियों को तो एसोसिएट ही इन सारी चीजों से करते हैं यार मेरे को नहीं पता फिर वो लड़के कौन होंगे नो आईडिया बिकॉज़ ऑल्दो वी वीव ऑल हियर स्टोरीज लाइक दिस एंड हमने फिल्मों में देखा हाँ। है बहुत सारी स्टोरीज हैं कि यू you नो know, कितनी सारी फिल्में बनी हैं आई थिंक आधा दिमाग तो फिल्मों से ही खराब हुआ है क्योंकि इंडियन मैन की पोर्ट्रेयल बॉलीवुड फिल्म्स में इतनी डिफरेंट होती है या तो कबीर सिंह टाइप रोल्स है, या फिर एकदम ही शाहरुख खान या, या मेरे को लग रहा था कि वो एक ऐसा पोर्ट्रियल था जो रिलेटेबल था जो रियल था इंडियन यूथ के साथ उस पॉइंट पे क्योंकि एक्चुअली में इतनी कंफ्यूजन होती है नई चीजें समझ आ रही होती है और कुछ Correct. इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता Correct. जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि ये बुरा तो ये विलन ये अच्छा तो ये हीरो But life isn't the grey, right? Exactly, I feel and and people change with time, people change with circumstances. And I feel जो डर है और जो जो दिल अंदर से धुंध धुंध करता है कि you know relationship में commit करें कि नहीं करें क्या होगा या इस career move में हम uh, you know uh, step रखें कि नहीं रखें। I think those are all and that should be there। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर वो हम experience नहीं करेंगे तो हम ये बातें भी नहीं कर पाएंगे hmm. वो एक्सपीरियंस होगा तभी हम उसके बारे में बात कर पाएंगे yeah. और मेरे हिसाब से hmm. हर एज का मज़ा लेना चाहिए क्योंकि व्हेन वी आर इन आर यू नो दैट एज ऑफ टेन टू फोर्टीन तो एक अलग ही कुछ चल रहा होता है बिकॉज यू नो एवरीबडीज बॉडीज़ आर चेंजिंग हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं देन वेन यू इन योर लेट टीन्स तो अलग कुछ चल रहा होता है सबको प्यार हो रहा होता है yeah, एक दूसरे yeah. से देन ट्वेंटीज में सबके दिमाग में चल रहा होता है कि अब सेटल होना है शादी करनी है एंड यू वर राइट कि उस टाइम पे है ना एवरी थिंग एल्स टेक्स अ बैक सीट एंड ये ये सारी चीजें बहुत दिमाग में चल रही होती हैं मतलब किसी से ब्रेकअप हो गया तो दुनिया खत्म हो गई जहान <laughs> खत्म हो गया सो ऑल दिस है अगर वो नहीं होगा तो मज़ा क्या है You know, तो फिर याद क्या याद करोगे क्या, क्या स्टोरीज बताओगे अपने बच्चों को या अपने अपने से यंगर जनरेशन को क्या स्टोरीज बताओगे अपने दोस्तों के साथ बैठ के क्या बात करोगे सो आई फील ये सब होना जरूरी है होना हुँ। चाहिए हुँ। और उसी का मजा है लाइफ में और अगर वो एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप आगे की लाइफ में है ना फिर मतलब फिर बोरिंग ही हो जाएगा वो टाइम वापस नहीं आने वाला सही बात है वो उस टाइम पे वो जो एक्साइटमेंट होती है या फिर वो रश होता है वो करने का वो थ्रिल आता है जब बचपन में होना ही चाहिए वो ओके सो बहुत सारे जैसे आजकल की जनरेशन में क्या होता है आजकल की जनरेशन की एक साइकी है या फिर अंडरस्टैंडिंग है आप कितने साल के हो आजकल की जनरेशन मतलब मैं आजकल की जनरेशन ही हूँ <laughs> <आतुँ। laughs> अच्छा ठीक है <laughs> मतलब ठीक है आप हम दोनों में इतना जनरेशनल गैप नहीं है

ठीक है सो जेन जी की जब हम बात करते हैं तो जेन हाँ। जी की ना ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कि उनको है कि हम 20s में hustle करेंगे और थर्टीज तक हमें आइडियली सेटल होना है एंड वो जितना भी हम हासिल करके, फिर हम महनत -महनत करके या फिर जितना भी हम मेहनत मेहनत करके थर्टीज में ओली रिटायरमेंट थर्टीज या फिर फोर्टीज में ठीक है बट मेरे मॉम डैड के टाइम पे ऐसा होता था कि उनको तो था कि यार फिफ्टी फिफ्टी या फिफ्टीज या सिक्स तक अपना बढ़िया मेहनत करो बच्चों की शादियां करवाओ और उसके बाद रिटायरमेंट तो ये जो शिफ्ट आया है कि अब जितना क्विक चाहते हैं लाइक यू नो आजकल के बच्चे के हाँ फटाफट like फटाफट हाँ, हाँ, पैसा एग्जैक्टली हाँ, exactly, फटाफट हाँ, रिटायर love, हो लव फास्ट मनी फास्ट सक्सेस उनको हुँ. सब चीजों की करने की इतनी ज्यादा जल्दी होती है बट exactly, उनको वो भाग रहे हैं शायद अपने you know, से ही भाग रहे हैं। उनको बड़े होने की जल्दी है आप को ऐसे लुक्स दे रहे हो जैसे मैं <laughs> <laughs> <एक> 30, <40 laughs> की तरह बात कर रही हूँ <laughs> हाँ, नहीं मैं सुन रहा हूँ आपकी फिलोसफी मतलब आपके थॉट्स बट ऐसा होता hmm. है आई मीन आई सी माय यंगर कजिन्स और मैं देखती हूँ कि उनको इतनी ज़्यादा जल्दी है बस बड़े होने की या hmm. फिर यू you नो know, वो वाली सारी चीज़ें करने की जो अब हम अपनी एज में करते हैं सी अगेन uh, uh, क्या करोगे थर्टीज में रिटायर होके वॉट विल यू डू आई एम ऑफ दॉट प्रोसेस के जब तक हाथ पैर चल रहे हैं काम करते रहो माई माई डैड माई बुआ माई मॉम एवरीबडी इन माई फैमिली माई बुआ हसबेंड इज एटी सिक्स सेवन नाउ He still wants to work, wow. and uh, you know there are so many uh, people that I know, as in my friends, their mm. parents are mm. uh, or grandparents for that matter. One of my friends' grandfather is 90 plus. Mm. He still goes to uh, you know the, they have a family business. He goes and sits there. Mm. So uh, what will you do? Thirty ke retire, okay, mm. okay, you want to be financially free? Haan. That's a different thing. you, you work. यू अर्न गुड मनी एंड यू इफ़ यू हैव इट इन यू यू बिकम फाइनेंशियली फ्री सो दैन यू कैन वर्क अकॉर्डिंग टू योर विश आपको छः महीने आठ महीने काम करना mm. है चार महीने हर साल आपको हॉलीडे पर जाना yeah. है क्रूज पर चले जाओ वर्ल्ड टूर पर चले जाओ वो अलग बात है बट टू थिंक दैट मैं थर्टी थर्टी फाइव तक काम करूँगा एंड दिन में रिटायर हो जाऊँगा yeah. क्या करोगे रिटायर होके मुझे वो समझ में नहीं mm. आता है सो दैट इज़ वन थिंग एंड डूइंग इट

अगर आपकी लाइफ में यू हिट रॉक बॉटम यू बिकम जीरो यू शुड नो इट शुड नॉट बी जो आपने पहले किया वो फ्लूक से हो गया, तो आपका इफ यू हिट रॉक बॉटम यू वुडन नो हाउ टू गो बैक अप, बट इफ यू फॉलो द प्रोसेस यू नो द इंटेग्रिटीज ऑफ योर वर्क और द बिजनेस दैट यू आर गेटिंग इन टू एंड यूर अर्निंग मनी आप लाइफ में दस बार भी गिरोगे तो आपको पता होगा कि हमें वहां से उठना, उठना कैसे, कैसे? है क्योंकि आपको आपको प्रोसेस पता है कि हाँ. मैंने पहली बार जैसे किया हुँ. दूसरी बार मुझे वैसे ही करना है हाँ. तीसरी बार भी वैसे ही करना है दी ओनली प्रॉब्लम इज विथ द थॉट प्रोसेस के ये किया वो किया ये किया वो किया और कहीं पे तुक्का लग गया यू हाँ, नो you know, हाँ, हाँ. जैसे लॉटरी लगती है mm. आपने कहीं किसी चीज़ के शेयर्स खरीद लिए हाँ. या कहीं पे कुछ आपने ज़मीन खरीद ली हाँ. या किसी किसी बिजनेस में आपने थोड़ा अपना फैमिली मनी इन्वेस्ट कर दिया और हाँ. वो तुक्का लग गया बन गए एंड देन यू कॉन्ट हैंडल दैट सक्सेस यू कॉन्ट हैंडल दैट मनी एंड यू लूज इट एंड वेन यू लूज इट यू डोंट नो वॉट टू डू बिकॉज यू वो एक बार फ्लूक हो गया बार बार नहीं होगा दैट इज अ प्रॉब्लम अदरवाइज आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम एनीथिंग एल्स एंड आई थिंक आई आई बिलीव इन वॉट यू सेड कि बोर्डम हो जाएगी मतलब अगर इतनी जल्दी लाइफ में वो कर दिया कि नहीं अब मैंने अपना कर लिया मैंने अपना यू you नो know, वो वाला टाइम देख लिया प्राइम देख लिया उसके बाद बैठ जाना इट जस्ट फील्स वेरी बोरिंग हाँ वो भी है सब <laughs> <laughs> मतलब चीजें तो बहुत है करने को हाँ. <laughs> लेकिन सी देयर इज नो एंड टू इट इट्स ऑल अप टू यू कि दुनिया घूमते रहो घूमते रहो यू मतलब पूरी जिंदगी निकाल हुँ. <laughs> दो आप नहीं कुछ कर पाओगे बट देन देयर हैज टू बी

सही बात है धीरे धीरे so, आप मेरी बातों को मान रही हैं देखा मेरे को ब्रेन वॉश किया जा रहा है इस पॉडकास्ट में <laughs> 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 नहीं नहीं आई एम किडिंग बट मैंने ये कहानी अभी आपकी सुनी और मैं बस यही सोच रही थी कि ऑडियंस को ना ये सारे नुआंसिस कभी पता ही नहीं लगते ऑडियंस जितना ज़्यादा स्टार स्ट्रक होती है टी एक्टर्स को या फिर फिल्म स्टार्स को एक स्क्रीन पर देख के कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं एट द सेम टाइम उनको ना अंदर से वो वाली चीज भी लगती है कहीं ना कहीं ना हम एक्टर्स को डीह्यूमनाइज कर देते हैं अपने दिमाग में जो नहीं होना चाहिए बट वो हो जाता है हमें फिर वो सिर्फ एक एक जैसे एक table, एक जैसे टेबल प्रॉप है स्क्रीन पे हमें वो एक्टर्स भी एक प्रॉप की तरह लगने लग जाते हैं हमें नहीं रियलाइज होता कि कितनी मेहनत एक्चुअली में बिहाइंड द सीन्स जैसे आप बता रहे हो उसमें जाती है एंड इन फैक्ट जब शुरू के टाइम में जब टीवी उसकी या फिर यू you नो know, फिल्म की बात होती थी तो, तो इंडस्ट्री का नाम सुनते ही एक ही चीज आती थी दिमाग में दैट वुड बी कास्टिंग काउच बट उसके बारे में भी कहीं पे सच होता है कहीं पे सच नहीं होता हैव यू एवर हैड लाइक दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस नॉट रियली आई हैव नेवर हैड दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बट यस आई हैव हैड आई हैव हैड मेन हिटिंग ऑन मी ओके एंड व्हिच इज आई थिंक व्हिच हैपेंस इज एवरीवेयर इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी इंडस्ट्री एंड बट समबडी हिटिंग ऑन यू वो तो इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट आल्सो ना या इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट आल्सो बट बिकॉज़ आई एम स्ट्रेट सो यू नो ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स इट्स इट्स never uh, you know I, इनिशली बन आई केम टू बॉम्बे आई टू फाइंड इटिलेट ऑफ इंडिट एंड मुझे थोड़ा सा वो uh, uh, समझ में नहीं आता था hmm. कि वो सिचुएशन hmm. hmm. को हैंडल कैसे hmm. करूँ hmm. तो मुझे पता नहीं होता था क्या बोलना है yeah. या तो मैं चुप हो जाता था hmm. या तो इफ गायज हिटिंग ऑन मी यू नो आई वुड जस्ट मूव अवे फ्रॉम देट प्लेस या hmm. अगर कोई पार्टी है तो मैं निकल जाऊँगा yeah.

i'm straight oh. but let's be friends yeah. you know uh -huh. so you know you know how to i become now i have so many friends hmm. who are gays yeah. and it's okay and you because understand i understand better. because hmm. I, I know what the other person feels he's hmm. not trying to you know cross the line exactly he's expressing what he's ha, feeling ha, and ha. which is an okay thing you need to understand from their point of view hmm. as well you can't be selfish and thinking mujhe aisa bol diya. you can't be that so that's what i'm saying i, I my, my perspective about life has changed a lot in the last few years nice एंड कहते हैं ना कि मेन डोंट नो हाउ टू हैंडल रिजेक्शन बट एट दिन को ये चीज आनी चाहिए मना कर दोगे तो उसको भी बहुत ज्यादा वो हार्ड ब्रेकिंग बोला कमिंग फ्रोम अ प्लेस ऑफ लव इवन देर एक्सप्रेसिंग लर्न हाउ टू हैंडल रिजेक्शन

एंड अगर फिर भी कोई नहीं रुक रहा है देन बिकम अ लिटिल फर्म एंड से नो बट एट नो पॉइंट ऑफ टाइम इट शुड भी डिसरेस्पेक्टफुल मतलब ये कभी नहीं होना चाहिए कि तू कौन Haan. तू जानती Haan. नहीं मैं कौन या तू ने ऐसे कैसे मुझे बोल दिया इट कॉन्ट बी लाइक दैट यूफ टू अंडरस्टैंड द पर्सन बिहाइंड इट यू यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मे बी दैट पर्सन डजन नो हाउ टू अप्रोच यू बिकॉज यू ऑल आर नॉट एट द सेम वेव लेंथ बट साइड से बेस्ट कर, रहे, है कर रहे यार इट आप उसको डिसरिस्पेक्ट करोगे एंड एंड दिस फॉर फॉर गर्ल्स 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 आल्सो आल्सो आई आई एम नॉट ओनली टॉकिंग फ्रॉम गाइस साइड ऑफ कोर्स इट इट टाइम्स सीन रिजेक्टिंग अ दे वुड लाइक कम ऑन कीप योर ठीक okay. uh, you know, है यार नहीं करना हाँ, नहीं डिमीन द अदर पर्सन इज व्हाट आई फील इवन इफ यू डोंट वांट टू बी रिस्पेक्टफुल विद अदर पर्सन ओके अ डिस्टेंस बट डोंट डिमीन अदर पर्सन दैट्स व्हाट आई फील आई एग्री देट आई थिंक दिस इज समिंगट वी ऑल नीड टू लर्नसो वेल गोइंग आपने कभी डेटिंग ऐप्स एक्सप्लोर नहीं यार करने हैं मेरे को करने? करने है बताओ कौन से अच्छे तीन एप्स हैं देखो हाँ, एक है बम्बल एक हाँ, है टिंडर एक है हिंज ये तो आपके हिसाब से कौन सा अच्छा है मैं तीनों में से किसी पे भी नहीं हूँ अरे तो मैंने कब पूछा <laughs> मैंने पूछा ही नहीं आप पे हो नहीं हो मैं तो पूछ रहा हूँ आपके हिसाब से ना लक यहाँ पे भी बहुत काम करता है किसी okay. भी ऐप पे आप अपनी प्रोफाइल बना लो वो लक yeah. की बात है कि आप, अब आप एक, you know, को स्वाइप कर रहे हो किसी बॉय को स्वाइप कर रहे हो या फिर एक्चुअली में कैसे सीरियस या फिर अच्छी लड़की को या अच्छी लड़की को स्वाइप कर रहे हो मतलब अगर डेटिंग ऐप पे आया तो चांसेस हैं

Information for me. Oh. This is learning for me. Nice. And this is, like I said, I like sharing my experiences. हाँ हाँ हाँ. तो आपने अपनी dating app के जितने भी experiences बताए कि आपने क्या-क्या देखा और क्या-क्या experience किया, तो मुझे उससे सीखने को मिल गया. तो now hmm. I'm not going to do anything. But but word to the wise, Nandish, <laughs> do not go on only fans. वैसे अगर आप चले जाओगे तो आपके फैंस तो through the roof पागल हो जाएंगे. But बस uh, इस podcast के बाद आप एक बार Google करना. मुझे कुछ पिशी लग रहा है फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम आपके फ्रेंड को लेके आएंगे ओके लेट्स लेट्स फिगर आउट आई एम गोइंग टू चेक दिस आउट यस यस ओके चलो ठीक है अब बातें काफी ज्यादा हो गई एंड नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू द गेम सेक्शन ओके आर यू रेडी ऑलवेज बचपन से बचपन से ठीक है द फर्स्ट गेम दैट वी आर गोना प्ले विद यू इज कॉल्ड टू ट्रूथ्स एंड अ लाई आपको अपने बारे में कोई दो ऐसी सच चीज़ें बतानी है और एक झूठ बताना है एंड वी ऑडियंस फिगर कि सच hmm. क्या था और झूठ क्या था ओके सो टू वुड बी वन दैट आई लव साइकिल अर्ली मॉर्निंग्स ऑन पिंक अंडरवेयर्स Hmm. And the third one would be I'm a huge, huge ice cream fan. I can and I cannot resist ice creams. I'll be also guessing. I'm think, soch ki kya ho sakta kya jhoot. Let's see. <laughs> okay. So the next game is called This or That. You have to choose. No acting for life or no sex for life. Mm. No. <laughs> <laughs> Yari, kya <kwa> <laughs> <laughs> okay, i think uh, no sex for life. wow, interesting. i can always act that i'm having it. <laughs> <laughs> that's a good way. that's a good way around it. fame or money? money. No. anonymity with peace or recognition with no peace? recognition. okay. unlimited travel or unlimited food? travel any day. ओके सो आर नेक्स्ट गेम इज कॉल्ड वर्ड एसोसिएशन मैं जल्दी जल्दी कुछ वर्ड्स बोलूंगी और आपको बिना सोचे जो पहली चीज आपके दिमाग में आ रही है वो वर्ड्स सुन के वो आपको बोलनी है ओके ठीक है और एक्टिंग परफॉर्मर ओटीटी लॉन्ग फॉर्मेट कैरेक्टर्स टीवी सीरियल्स लॉन्ग आवर्स पैशन एक्टिंग ड्रीम टू बिकम अ स्टार लव ऑलवेज फैमिली मोस्ट इंपोर्टेंट डेस्टिनेशन लद्दाख फॉर नाउ ओके Nice. Okay, so this game segment is called Up Close and Very Personal. Okay. And as the name suggests, we're just gonna, you know, ask you a few questions which are slightly more personal than shoot. What is the last screenshot you took in your phone? A quote. A quote from somewhere, yeah. You remember I, I, that quote? No, I don't remember the quote, no. but I love whenever I see some good quotes, some hmm. either somebody is put on their social hmm. media or, I, I have like a pin on Pinterest. Mm -hmm. I just take those screenshots and I make a folder out of it. That is sweet. Yeah. Okay, one food item you can never resist? I think uh, uh, chocolates. Chocolates? Yeah, all okay. kinds of chocolates. So, he has a sweet tooth. Yeah, I do. Three things apart from your phone and wallet that you would never leave your home without for a party? One would be my card okay. for sure. Which is also not required because everything is on mm. it's on Google Pay and all mm. of that. Um, one would be uh, party smart. Oh, <laughs> good idea. Yeah, that is that is important because mm. it saves you from the hangover next day. Yeah. And uh, third would be uh, a perfume that is a must for me because that's a big turn off for me as well. If somebody uh, has. Uh, you know, if yeah, somebody doesn't smell odor. good, yeah. yeah. So that's a big turn off for me. So that is something that always stays in my pocket. What's a thing in a female that will turn you on instantly? We just found out about your turn off, but what's the turn on? <laughs> Two things I would say. One is obvious, it's fragrance. Okay. And the second would be eyes. Eyes? Yeah. Nice. Very, the eyes, Chico. What's a red flag that everyone should be aware of before getting into a relationship? Narcissism. Hmm. I think that's that's extremely important. Mm. And you should be aware of, you know, you should be aware of uh, if that person is a narcissist, then you should avoid it because it usually turns out to be toxic. Choose one very quickly films versus OTT shows. OTT shows. Okay. And who's your latest Instagram crush? Instagram crush. Yeah. <laughs> Sarah. Sarah Khan. I like her. Oh, nice, yeah. nice. I think she has a very quirky, quick. She, yeah, she's, she's witty and she's poised also at the same time. She, she's, she, she just strikes a good balance mm. with everything. And she's, she's, you know, she looks good in her pyjamas also. Mm. Uh, and she knows how to carry herself on the red carpet as yeah. well. She speaks well. Mm. And what's uh, her rhymes? Sarah, K, I like the <laughs> rhyming that she keeps doing. Oh. Yeah, so it's fun. She's got different sides to mm. her. And since you did so well... In this game section. So, where's my hamper? This is what I would like to gift you. See, it's a circle of life. Now, this has come full circle for us. Okay, it's done. <laughs> and on that note, we're going to take your leave. We will come back next week with a brand new guest. Until then, please like, share, and subscribe to Men's XP.